आई होप आई एम ऑडिबल। आवाज़ आ रही होगी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू टॉपिक जो कि सेक्शन 3 का ही लास्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड को। ये तीन टर्म है जो बड़े अपने आप में टेक्निकल भी हैं, और आपको अगर समझने के लिए कहा जाए या खुद से स्टडी करने के लिए आप बहुत सारे आप वीडियोज देख सकते हैं, आर्टिकल पढ़ सकते हैं, तो उसमें एग्जाम्पल की कमी रहेगी आपको, और इसी चीज़ को एक्सप्लेन करके बताया जाता है। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको सीधा डायरेक्ट कट टू कट एग्जाम्पल दे दूं, ताकि आपको इसका इंटरप्रिटेशन खुद से करने की जरूरत ना पड़े, और अगर इंटरप्रिटेशन करना भी पड़े याद रखने के लिए तो आप एग्जाम्पल से उसको बहुत अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसका एग्जाम्पल, और एक बार किसी एक का एग्जाम्पल समझ लिया तो बाकी के दो अपने आप ऑटोमेटिक कवर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ पहले शुरुआत से। देखिए, हम लोगों का जो टर्म है, जो हम लोगों को डिस्कस करना है, वो है प्रूव्ड, दूसरा है डिसप्रूव्ड और तीसरा है नॉट प्रूव्ड। ठीक है, ये तीन टर्म है। अब इसको पढ़ने पे आएंगे तो बड़ा अजीब सा लाइन लिखा रहता है, उसको ब्रेक करेंगे, उससे बेटर है कि मैं आपको सीधा एग्जाम्पल दूं। नाउ एक केस लेते हैं। केस क्या है कि ए एक पर्सन है और उस पर्सन ने एक सूट फाइल किया, ए ने एक सूट फाइल किया। सूट किस बात का? डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन का सूट फाइल किया विथ प्रेयर कि बी बी जो है बी जो है वो उसकी लीगली वैरिड वाइफ है। बी कौन है? बी इज द लीगली मैरिड वाइफ। ए ने कोर्ट में जाके एक सूट फाइल किया और सूट में इस बात का प्रेयर रखा कि मेरे को डिक्लेरेशन दिया जाए, यानी डिक्लेरेटरी डिक्री दी जाए, पास की जाए कि बी इज माई लीगली मैरिड वाइफ। कोर्ट में उसने अपना एविडेंस दिया, कोर्ट ने उसकी बातों पे भरोसा किया और कोर्ट ने ये दे दिया फाइनल डिसीजन कि बी जो है ए की पत्नी है। बी इज द वाइफ ऑफ ए, सो बी इज द वाइफ ऑफ ए। किसकी वाइफ है? ए की। सो ए इज द हस्बैंड नाउ, ए इज द हस्बैंड एंड बी इज द वाइफ। नाउ अब एक और सीन समझिए। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, पति के जीवित रहते हुए, यानी ए के जीवित रहते हुए बी ने, बी इन्स वाइफ ने डी नाम के पर्सन के खिलाफ एक सूट फाइल किया, यानी वाइफ ने किसी डी नाम के पर्सन के खिलाफ एक सूट फाइल किया। और सूट फाइल किया किस बात के लिए? कहा कि भाई तुम डी जो हो, यानी जो डी है उसको ये कहा कोर्ट में कि तुम जो है मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठे हो। बेसिकली प्रॉपर्टी इज ऑफ माइन, क्योंकि मैं जो तुम प्रॉपर्टी जिसकी कब्जा करके बैठे हो वो प्रॉपर्टी किसकी है? किसी सी नाम के पर्सन की है, और जो सी नाम का पर्सन है मैं उसकी लीगली मैरिड वाइफ हूं। यानी प्रॉपर्टी के चक्कर में वो बी क्या करती है? डी के खिलाफ सूट फाइल करती है बाय स्टेटिंग दैट कि आई एम द लीगली मैरिड वाइफ ऑफ सी। नाउ अगेन सी इज सेइंग कि बी जो है वाइफ है, और अब सी कौन है? सी इज द हस्बैंड। ये बात हो गई। नाउ अब सीन क्या बना? सीन ये बनता है कि डी को कहीं से ये पता चलता है कि ए ने पहले एक डिक्लेरेशन का सूट फाइल किया था। तो ए ने जो सूट फाइल किया था उसमें जो जजमेंट हुआ था, उस जजमेंट की कॉपी उठा करके वो ले आता है कोर्ट में, और कोर्ट में लाके पटक देता है और कोर्ट को कहता है, कोर्ट में प्रोड्यूस करता है और कहता है कि जनाब ये डिसाइड अब आप ही करें कि इस कोर्ट ने, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ऑलरेडी एक डिक्लेरेशन दे रखा है एंड अकॉर्डिंग टू दैट डिक्लेरेशन बी इज द लीगली मैरिड वाइफ ऑफ ए। And now she is claiming that she is legally married wife of C. तो ये तो बड़ा confusion है। ये B है किसकी पत्नी? A की wife है कि C की wife है? ये तो बड़ा confusion वाला issue है।
तो मैटर यहां पर क्या निकल के आया वो पॉइंट समझिए, यानी कि अब ये कोर्ट का काम है आगे डिसाइड करना कि हाँ वो किसकी पत्नी है या किसकी पत्नी नहीं है। लेकिन यहां पर अब कोर्ट को करने के लिए कुछ नहीं है, कोर्ट को जो नया कोर्ट है जो उसने जहां पर बी ने डी के खिलाफ सूट फाइल किया है उस कोर्ट को करने के लिए कुछ भी नहीं है। दो पॉइंट समझ लेंगे यहीं पर, क्योंकि जो जजमेंट की कॉपी लेकर के आ गया कोर्ट में, डी क्या करता है, डी कोर्ट में जजमेंट की कॉपी लेकर के आता है और वही जजमेंट की कॉपी इस बात को क्या करती है, साबित करती है। इस बात को क्या करती है, साबित करती है। किस बात को, एक फैक्ट को साबित करती है कि भैया ये फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि भाई बी पत्नी है, वाइफ है किसकी, यहां पर इस केस में किसकी पत्नी है, सी की पत्नी है। तो इस फैक्ट को साबित करने के लिए, ना साबित करने के लिए कि भैया ये सही नहीं है गलत है, इसको साबित करने के लिए भी एक फैक्ट लाता है। और वो फैक्ट कैसे आता है, वो फैक्ट जजमेंट के थ्रू आता है और वो जजमेंट जैसे ही कोर्ट में आएगा तो इस बात साबित हो जाएगी कि बी इज द लीगली मैरिड वाइफ ऑफ ए। तो यहां पर इस केस में क्या हुआ, इस केस में यह हुआ कि आपको सीधा सीधा ये मैटर पता चल गया कि कोई चीज साबित हो गई, यानी कोर्ट में जजमेंट के जरिए, जजमेंट की उस कॉपी के जरिए ये बात साबित हो गई कि हाँ ये उसकी पत्नी है या नहीं है। तो यही बात तो यहां पर डेफिनेशन पार्ट में प्रूव्ड में भी कहा गया है। अगर आप प्रूव्ड के डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार दो बार तीन बार जितनी बार भी पढ़ेंगे आपको यही चीज मिलने वाला है। प्रूव्ड के डेफिनेशन में क्या कहता है इंडियन एविडेंस एक्ट, प्रूव्ड के डेफिनेशन में इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत ही सिंपल कहता है कि ए फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड, ए फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड। इसका मतलब क्या है, किसी तथ्य को साबित करने की बात हो रही है, फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड यानी कोई फैक्ट जो है साबित हुआ ऐसा कहा जाएगा। तो उसके पहले बहुत कुछ पापड़ बेलना पड़ेगा, किसी फैक्ट को हम साबित हुआ कैसे कह देंगे, यानी ये साबित हो गया अपने इस एग्जाम्पल में कि जो बी है वो ए की पत्नी है, सी की पत्नी नहीं है, ये साबित हो गया। लेकिन ये साबित करने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ा डी को। सो फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड, एक फैक्ट को हम कह सकते हैं कि वो साबित हुआ, लेकिन कब कहेंगे कि वो फैक्ट साबित हुआ, दिस इज द पॉइंट। किसी फैक्ट को साबित हुआ ऐसा हम कब कह सकते हैं, ये बात है। तो कहता है कि किसी फैक्ट को साबित हुआ हम ऐसा तब कह सकते हैं जब वो मैटर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया हो, आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट, आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर मैटर्स बिफोर इट। तो फैक्ट साबित कब हुआ ये पता कब चलता है, जबकि कोर्ट के सामने जो मैटर आता है उसको कोर्ट ने क्या किया, कंसीडर कर लिया। तो कोर्ट ने जब पहले कंसीडर किया तो कंसीडरेशन के बाद ही ये डिसाइड हो पाएगा कि फैक्ट साबित हुआ कि नहीं हुआ। अपने केस में देखिए मैटर क्या था, मैटर था संपत्ति विवाद। तो संपत्ति विवाद में उसने क्लेम कर दिया कि भाई मैं किसकी पत्नी हूं, सी की पत्नी हूं, और डी कौन है, इलीगल पोजीशन में आ गया है, वो जबरदस्ती दूसरे की संपत्ति में घुस गया। यानी कि बी का ये कहना था कि भाई जनाब डी जो है वो मेरी प्रॉपर्टी में आ गया है, मैं उस प्रॉपर्टी की मालकिन हूं, क्यों, क्योंकि मैं सी की पत्नी हूं। सो व्हाट इज दैट, आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट। तो नाउ अब क्या होगा, द कोर्ट ईदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट, कोर्ट क्या करता है, कोर्ट इस बात पर भरोसा करता है कि कोई चीज एग्जिस्ट करेगी या करती है, या दूसरी बात ये, या इस बात को विश्वास करता है या उसके अलावा कंसीडर करता है उसके एग्जिस्टेंस पर कि वो उसके एग्जिस्टेंस को एक सामान्य बुद्धि वाला आदमी भी समझ सकता है एज पर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस। अब देखिए इसमें जो टेक्निकल पार्ट है वो धीरे धीरे समझेंगे, यानी तीन बातें हैं अगर आप ध्यान से समझेंगे इस पूरे सेक्शन के पॉइंट को, तो यानी सेक्शन थ्री का जो लास्ट टॉपिक है इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो सिर्फ तीन बातें निकल के आएंगी। सबसे पहली बात क्या निकलेगी, सबसे पहली बात निकलती है कि किसी भी फैक्ट को, फैक्ट की ही बात करेंगे, और फैक्ट का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, जो हमारी सेंसेज ऑर्गन्स जिसको परसीव करती हैं वो फैक्ट है,
इफेक्ट फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, सब कुछ है। तो किसी फैक्ट को साबित हुआ हम ऐसा कब, तब कहते हैं जब कोर्ट किसी तथ्य के, जब कोर्ट किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस को विश्वास करता है। तो जब जजमेंट कोर्ट में आ गया कि बी जो है एक ही पत्नी है, तो कोर्ट के पास विश्वास करने के लिए पूरा का पूरा मटेरियल है, यानी कोर्ट को विश्वास करने के लिए अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, डिसबिलीव करने का कोई कारण नहीं। कोर्ट आंख बंद करके भरोसा कर सकता है इस बात पर कि हाँ बी जो है एक ही पत्नी है। सो अब क्या किया, कोर्ट इधर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट, तो कोर्ट यहां विश्वास कर रहा है कि बी किसकी पत्नी है, एक ही पत्नी है, तो बिलीव्स इट। अगर मान लीजिए ये वाला सीन ना होता, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जहां कोर्ट कचहरी का मामला नहीं है, कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक सम अनदर एग्जांपल। नाउ अब एक मैटर ऐसा है कि एक अक्यूज्ड और डिसीज्ड दो लोग हैं, ऑब्वियसली क्रिमिनल केसेस में अक्यूज्ड और डिसीज्ड होते हैं। अब डिसीज्ड क्या है, डिसीज्ड तो मरा हुआ है। होता क्या है, एक मैटर मैं आपको शेयर करता हूं, जरा उसको डिटेल से समझ लेना, हालांकि बहुत बार आपको टीवी पर सीरियल में भी मिला होगा देखने के लिए, बिल्कुल सच्ची घटना है। ये घटना बिहार से कर रिलेटेड है और ये आरा आरा के आसपास के डिस्ट्रिक्ट के आसपास की रिलेटेड कहानी है, फैक्ट ये रियल घटना है। लेकिन हुआ क्या था कि एक लड़की जिसकी कहीं शादी हो जाती है, बेसिकली वो क्या है शादी हो जाती है, वो अपने मैट्रिमोनियल हाउस से यानी ससुराल वाले घर से भाग जाती है। लेकिन भागने का जो तरीका और उसका अंदाज जो है वो बड़ा अजीब सा होता है। होता क्या, उसके सास होते हैं, उसके ससुर यानी कि फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और उसका हस्बैंड, ये तीन ही लोग उसके घर में फैमिली में होते हैं। नाउ उसको उस लाइफ में इरिटेशन हो रही थी, वो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ करूं या कुछ अच्छे लाइफ में, मतलब लाइफ में अच्छे तरीके से जीना है, कुछ अलग हटके, तो वो लाइफ उसको बड़ा बोरिंग लग रही थी। सो फाइनली शी डिसाइडेड टू लीव, लेकिन वो ऐसे प्यार मोहब्बत से कोई जाने नहीं देता, इसीलिए उसने एक प्लानिंग करी बहुत बढ़िया सी। जब उसका हस्बैंड घर पर नहीं था, उसके फादर इन लॉ घर पर नहीं थे, उसके मदर इन लॉ घर पर नहीं थे, तो उसने क्या किया कि मस्त जो है गैस का सिलेंडर खोल दिया, और गैस का सिलेंडर खोलने के बाद मस्त दरवाजा बंद कर दिया, और उसके बाद क्या किया, बाहर से दरवाजा लगा दिया और एक माचिस की तिल्ली जला के निकल गई। अब वो गैस निकलने की वजह से आपको पता ही क्या हुआ होगा, ऑफकोर्स ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद ये तो घर में तो हंगामा मच गया, अलग कहानी है। लेकिन अब आते हैं लड़की पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब ये लड़की क्या होती है, वहां से मस्त एक ट्रेन पकड़ती है, ट्रेन पकड़ करके वो पटना चली जाती है। अब उस जो दौरान जो जाने का रास्ता होता है, उस दौरान उसको ट्रेन पे कोई शख्स मिलता है, कोई पर्सन मिलता है, उस पर्सन को लगता है कि ये बहुत निडी महिला है, कोई ऐसा लगता है सिचुएशन, तो वो उससे बातचीत करके उसको बताती है कि भाई मैं तो अनाथ हूँ, मेरा कोई आगे पीछे नहीं है, मैं अनाथालय से निकल के आई हूँ, मेरे को कोई गलत काम करने के लिए ऐसा बोलता है। इन द मीन टाइम उसने सारा अपना गेटअप चेंज कर लिया था, नाउ शी इज नॉट ए मैरिड वुमन। तो वो आदमी उस पर एक समझिए कि एक तरीके से तरस खा के या उस पर भरोसा करके या जो भी है उससे उसी लड़के से शादी कर लेता है। नाउ शादी होने के बाद वो लड़की वहीं रह जाती है, उसके साथ ही रहती है। अब थोड़ा गांव देहात से वो शहर में आके रहने लगती है तो उसको अच्छा फील होता है। इन द मेन टाइम क्या होता है कि इधर जो है लड़की के फादर, अब लड़की तो भाग गई लेकिन ये किसी को पता नहीं है, लड़की के फादर ने लड़के वालों के ऊपर केस कर दिया ये बोल करके कि मेरी बेटी को जिंदा इन्होंने जला दिया और लाश कहीं क्या कर दिया, गायब कर दिया। पुलिस वालों ने पकड़ के खूब पीटा। अब काम ही क्या होता, पुलिस वाले तो कहते हैं कि भाई डंडे के जोर से कह देंगे, अभी रात है, अभी रात के शाम के अभी 8 बजने वाले हैं, और बेचारा मजबूरी में कन्विक्ट क्या करता है, मैंने कन्विक्शन हो जाता है। तो क्या हुआ कि पुलिस ने डंडे के जोर से ये बात कबूल करा ली एक तरीके से, और क्या हुआ कि पूरा ट्रायल चलने के बाद हस्बैंड, उसके फादर
उसके मदर, तीनों तीनों को कन्विक्शन हो गया और तीनों को 304B के अंदर रख दिया गया। मैटर 302 का भी था, लेकिन कोर्ट ने कुछ लिनियंसी इस तरीके से कही कि भाई अगर हम इसको 302 का मामला मान लें तो मैटर यहां पर यह है कि लड़की की डेड बॉडी बरामद ही नहीं हो रही है। द पॉइंट हियर इज कि लड़की की डेड बॉडी बरामद हो रही है, इसके चक्कर में तो जितना चाहते जितना मारना चाहते थे पुलिस वाले ने उसको पीट लिया, लेकिन बेचारे को पता ही नहीं कि लड़की कहाँ गई है, मतलब मरी जली, उच्च घटना ही ऐसी घटना ही नहीं हुई है, तो फिर ये 304B का मैटर ही नहीं, तो वो करे क्या? बोलते ना आप, मतलब बिना प्रॉब्लम के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, किस्मत खराब होने वाली से बात हो गई। उस वजह से उस लड़के की मार पिटाई की वजह से जो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है वो एकदम से ब्रेक हो जाती है, वो उठ नहीं सकता बिस्तर से। नाउ इन द मीन टाइम 7 साल की सजा काटने के बाद वो वापस बाहर आते हैं, कन्विक्शन हुआ आफ्टर 7 ईयर्स स्पेंडिंग इन द प्रिजन, बाहर आए और अब वो आदमी जॉब की तलाश में भटका। कौन? अब तो बेटा तो कुछ काम कर नहीं सकता क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई एक तरीके से, तो वो बिस्तर से उठ नहीं सकता, उस सिचुएशन में है नहीं कि वो इमीडिएट काम कर सकता है। इन द मेन टाइम उस आदमी ने, जो उसके बाप था, उसका फादर था, उसने एक टिम्बर में कहीं काम करना शुरू कर दिया, और टिम्बर वाला जो वहां जो पर्टिकुलर गांव देहात में था, टिम्बर वाले ने इसको काम पर रखा और काम से थोड़ा खुश हुआ, इसको काम के सिलसिले में वहां से पटना भेज दिया। देखिए अब ये बोलते भाग्य का चक्र बोलिए या जो कहना है कहिए, यहां पर सीन ये हो गया कि जिस आदमी के यहां भेजा ये वही आदमी था जिसकी पत्नी बनके उसकी बहू, सो कॉल्ड एक्स बहू, उसकी पत्नी बनके वहां रह रही थी, और इन 7 सालों में उसको एक लड़का भी था, उसकी पति भी था, उसका एक बच्चा था, यानी अच्छी लाइफ चल रही थी। जब ये वो वहां गया पूरा शॉक्ड हो गया कि ये तो मेरी बहू है जिसके मरने के केस में, यानी 304B के केस में हम लोग 7 साल जेल में रह के आए, ये तो जिंदा है और इसका एक बच्चा भी और इसका पति भी है। अपने लेवल से जितना बेचारा इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर सकता था किया, और उसने लास्ट में जाकर के लड़की के फादर को इन्फॉर्म किया कि देखो आके पहचानो ये तुम्हारी लड़की है कि नहीं है। तो वो एक इमोशनल पल आया जहां पर वो लड़की टूट गई, अचानक से फादर को देख लिया कि भाई लड़की का फादर अचानक से उस घर पे आके प्रकट हो गया, सामने आ गया, उसने पहचान लिया कि मेरे फादर है। वो भूल उसने कर दी कि भाई मैंने ऐसा ऐसा कांड करके भागा हुआ है, तो उसके बाद क्या हुआ वो उस दिमाग से निकल गया। तो नाउ ये तो फिर कहानी है, उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा चला, दैट इज अ डिफरेंट इशू। अब यहां पर जरा अपने पॉइंट पे आते हैं, उस कन्विक्शन के पॉइंट पर आते हैं 304B के। वो तो कन्विक्शन हो गया, सजा काट ली, अब तो कहानी अलग हो गई, अब ये अलग कहानी हो गई। तो चलिए फिलहाल हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं उस पनिशमेंट वाले पार्ट पर, जहां पर ये मामला आया 304B का बना, 304B का। यहां पर लड़की की यानी विक्टिम की डेड बॉडी बरामद नहीं होती है, सो नीदर द डेड बॉडी वाज रिकवर्ड नॉर द पोस्टमार्टम परफॉर्म्ड। ना तो डेड बॉडी निकली ना तो पोस्टमार्टम हुआ, ऑब्वियसली जब बॉडी नहीं तो पोस्टमार्टम किसका होगा। इसके बावजूद इसको 304B में उसको कन्विक्ट कर दिया गया। तो यहां पर कोर्ट के पास वो कौन कौन से एविडेंसेस मौजूद थे जिसके बेस पर, जिसके बिना पर कोर्ट ने इस बात को साबित मान लिया, प्रूव्ड 304B में कन्विक्शन हुआ। इसका मतलब है कि एविडेंस ऐसे मौजूद थे जिसके बेस पर उसने क्या कर दिया, कन्विक्ट कर दिया। मतलब फिर से हमें प्रूव्ड का मतलब समझना है, तो प्रूव्ड का मतलब क्या निकल के आया यहां पर इस केस में भी, इस एग्जांपल में भी प्रूव्ड का मतलब क्या समझे? प्रूव्ड का मतलब ये समझ लिया कि कोर्ट ने क्या कर दिया, अब चाहे प्रिजम्पशन के बेस पर, ऑब्वियस प्रिजम्पशन यहां था, ऑब्वियस प्रिजम्पशन के बेस पर कोर्ट ने इस बात को साबित मान लिया कि हाँ 304B का मामला हुआ है और इन्होंने मारपीट करके जला दिया और लाश को गायब कर दिया। अगेन क्या निकलता है, प्रूव्ड। तो प्रूव्ड का मतलब क्या हो गया फिर से, कि कोर्ट ने यहां पर इस बात को विश्वास कर लिया कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से बहुत सारे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं प्रूव्ड से रिलेटेड, उसके बाद प्रूव्ड को फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। इस बार
इस बार क्या है, एक मैरिड वुमन होती है, और ये मैरिड वुमन क्या है, इसने एक चिट्ठी लिखी होती है अपने फादर को, स्टेटिंग दैट कि उसको अभी तुरंत तत्काल आज के आज उसके मैट्रिमोनियल हाउस से ले जाएं, अदरवाइज उसके सास ससुर हस्बैंड ये सब जो लोग हैं, फादर इन लॉ मदर इन लॉ बाकी लोग जो हैं उसका हत्या कर देंगे, उसको मार देंगे। फोकस करना है अपने बात पर, यानी कि हमें क्या करना है, हमें प्रूव्ड का मतलब समझना है, प्रूव्ड। उसने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में ये सारी बातें बताई, और ऐसा हुआ भी, वास्तव में ऐसा हुआ भी। वो फादर तक चिट्ठी पहुंचने के पहले ही लड़की का मर्डर मतलब हत्या हो गई। बाद में जो चिट्ठी मिली, जो लेटर मिला, उसकी हैंडराइटिंग को उसके भाई ने पहचाना, उसके हैंडराइटिंग को उसके भाई ने पहचाना। नाउ अभी क्या है, उस चिट्ठी के बेस पर, उस चिट्ठी के बेस पर यहां पर जो उसके इन लॉज थे, फादर इन लॉ मदर इन लॉ हस्बैंड सो कॉल्ड जो भी, उनको कन्विक्शन हुआ। मतलब अभी आप फिर से उस मुद्दे पर आइए, प्रूव्ड। तो फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड। फैक्ट क्या है कि एक लड़की की हत्या हो गई, उसको मार दिया गया, दिस इज ए फैक्ट, एक लड़की को मार दिया गया, दिस इज ए फैक्ट, ये तो फैक्ट है, सामने से दिख रहा है कि लड़की की मृत्यु हो गई, मार दिया गया इसको। लेकिन हत्या होने के बाद अब दूसरी बात सामने आती है कि भाई ये जो लोग कटघरे में खड़े हैं, इन लोगों ने हत्या किया है कि नहीं किया, इन लोगों ने मारा है कि नहीं मारा। नाउ अब ये जो चिट्ठी निकल के सामने आती है, जो लेटर सामने से निकल के आता है, उस लेटर से ये बात साबित हो जाती है कि इन्होंने हत्या की है, क्योंकि उसने पहले ही इस बात के लिए क्या किया था, एक डाउट, एक शक जो है मन में पहले से उसने मेंशन किया था। सो ए फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड। फैक्ट क्या है, हत्या हुई, और हत्या किसने की, यही फैक्ट है। अब यहां पर एक चीज थोड़ा सा मन में डाउट होगा आपको, फैक्ट और फैक्ट इन इश्यू का, तो उसको थोड़ा अलग तरीके से समझिए। हम लोग प्रूव्ड के मैटर को समझने के लिए ये एग्जांपल ले रहे हैं। तो जब कभी भी हम किसी भी एविडेंस के बेस पर, बेसिकली यहां पर एविडेंस शब्द नहीं बोलना चाहिए, वो भी मैं आपको बताता हूं क्यों। जब हम कोर्ट के सामने कोई भी मैटर आता है और उस मैटर को जब कोर्ट के सामने कोई मैटर आता है और मैटर को कोर्ट डिसाइड करता है, कोर्ट मैटर को डिसाइड करता है इस पॉइंट पर कि हाँ उससे रिलेटेड फैक्ट या तो एग्जिस्ट करता है, या तो एक सामान्य बुद्धि वाला आदमी इस बात को मान लेगा, यानी वो भी जज भी एक सामान्य बुद्धि वाला आदमी, वो एक सामान्य बुद्धि वाला आदमी भी इस बात को विश्वास कर लेगा कि इस पर्टिकुलर केस में ऐसा संभव है, जो मैंने भी बताया लड़की आग लगा के घर से भाग गई, तो वहां पर जज और सामान्य बुद्धि वाले आदमी ने इस बात पर भरोसा कर लिया, इस बात को मान लिया कि सास ससुर और हस्बैंड ने मिलकर के दहेज के खातिर लड़की को क्या कर दिया, जिंदा जला दिया, और जलाने के बाद उसकी डेड बॉडी गायब कर दी, इस बात को मान लिया, डेड बॉडी नहीं मिल रही है स्टिल इसको मान लिया। सो द कोर्ट ईदर बिलीव्स इट, कोर्ट ने बिलीव, या तो कोर्ट बिलीव करता है किस बात के लिए कि ये एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट करता है, इट का मतलब क्या है, इट का मतलब फैक्ट है, यानी ये फैक्ट कि हाँ इसी ने जला के मारा है, इस बात को विश्वास में रख लिया, कोर्ट ने मान लिया कि हाँ ये बात है कि इसी ने जला के मारा है, आफ्टर ऑल जब घर पे कोई है नहीं, यानी इस पर्टिकुलर केस को कॉन्सेंट्रेशन के साथ सोचिए, इस पर्टिकुलर केस में जो सर्कमस्टांसेज है उसके हिसाब से सोचिए। जब चार लोगों की फैमिली है, तीन लोग कहा जाता है कि बाहर हैं, तो इसका मतलब जरूर जो बाहर बाहर का ड्रामा था इन्होंने ही सचमुच में जला के मारा है, और जो सर्कमस्टांसेस सामने से आ रहे हैं, सर्कमस्टांसेल एविडेंस सामने से आ रहे हैं, उसके बेस पर ये बात बिल्कुल सामने से क्रिस्टल क्लियर साबित हो जाती है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर साबित होती है
कि भाई उन्होंने ही जला के मारा, तभी तो कोर्ट ने कन्विक्शन किया, और वो भी सेशन जज का मैटर होता है, सेशन ट्रायल मैटर है। तो ये बात यहां से क्लियर होती है। तो मतलब प्रूव्ड का मतलब क्या है वो मोटे तौर पे समझ रहे हैं। चलिए इसमें एक इंटरेस्टिंग टर्म आता है, मैटर्स बिफोर इट। इस बात का मतलब जरा जानना बहुत जरूरी है। अभी एक एक करके थोड़े थोड़े करके मैं सारी बातें आपको बता देता हूं, इससे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आएगा। देखिए यहां पर क्लियर, यहां पर एक आता है टर्म, ए फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट। यहां पर जो एक्सप्रेशन लिया गया है इसमें लिखा गया है द मैटर्स बिफोर इट। इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। आपको एग्जांपल बताया, एग्जांपल से कोरिलेट करके देख लेना। पहले वाले में भी आपको द फर्स्ट एग्जाम्पल, द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपको बताया, अब जब आपके सामने जब जजमेंट की कॉपी आ गई तो आपको कुछ सोचने के लिए है ही नहीं, आप तो मान ही लेंगे कि हाँ ये मैटर एग्जिस्ट करता है। एक सामान्य बुद्धि वाला आदमी भी कहेगा कि हाँ भैया बी किसकी वाइफ है, तो ए की वाइफ है। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी डिक्लेरेशन दे रखा है। तो एक सामान्य बुद्धि, ये प्रूडेंट पर्सन भी इस बात को मानेगा कि इन द सर्कमस्टांसेज ऑफ दिस मैटर, जैसा मैटर भी सामने आ रहा है, वाइफ हस्बैंड का झगड़ा चल रहा है कि वो उसकी वाइफ है कि उसकी वाइफ है, तो उस हिसाब से ये तो ए सॉरी बी जो है ए की ही वाइफ है। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जो मैटर साबित हुआ है उसमें यही बात सामने आने वाली है। लेकिन अब पॉइंट यहां पर आता है, कहा गया कि आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसीडरिंग मैटर्स बिफोर इट? अब ये मैटर्स बिफोर इट का चक्कर क्या है, लेट सी। देखिए यहां पर मैटर्स बिफोर इट का मतलब क्या होता है, मैटर्स बिफोर इट, अगर कायदे से देखें तो कोर्ट में मैटर नहीं आता, एविडेंस आता है। तो यहां तो स्टीफन साहब को लिखना चाहिए था कि आफ्टर कंसीडरिंग द एविडेंसेस बिफोर इट, इट का मतलब कोर्ट से है। तो कोर्ट में जो एविडेंस रखा जाता है उसको कंसीडर करने के बाद अगर कोर्ट इस बात पर विश्वास करती है कि ये पर्टिकुलर फैक्ट एग्जिस्ट करता है तो मुद्दा साबित हुआ, तो मामला साबित हुआ। अगर कोर्ट में एविडेंस रखने के बाद, कोर्ट ने एविडेंस कंसीडर करने के बाद ये पाया कि हाँ ये मैटर पर जो भी एविडेंस आया है वो एक सामान्य पर्सन यानी कि प्रूडेंट पर्सन के विश्वास में लगता है, उसको लगता है कि हाँ ये चीज एग्जिस्ट करेगा एज पर द सर्कमस्टांसेज ऑफ द केस, तो फिर ये साबित हुआ। तो दो ही चीजों पर पकड़ रहा है, या तो उसके एग्जिस्टेंस पर या तो उसकी बुद्धि पर। तो नाउ अब इसको जरा समझिए कि मैटर्स बिफोर इट का चक्कर क्या है। देखिए द मैटर्स बिफोर इट, ये जो एक्सप्रेशन है मैटर्स बिफोर इट इंक्लूड्स मैटर्स which do not fall within the definition of evidence under section 3. मैटर्स बिफोर इट जो शब्द है, ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने आ रहा है, इसमें हम उस मैटर को इंक्लूड करेंगे जो एविडेंस नहीं है, यानी अदर देन एविडेंस को इंक्लूड करेंगे। अदर देन एविडेंस को इंक्लूड करने की बात हो रही है, तो ये अदर देन एविडेंस का मतलब क्या आ जाएगा वो जरा समझ लेते हैं कि क्या मतलब निकल जाता है अदर देन एविडेंस का। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑर्डर टू डिसाइड एज टू वेदर ए पर्टिकुलर फैक्ट whether a particular fact
is proved. The court has to consider. The court has to consider the matters before it. The matters before it. तो matters में क्या क्या include होता है? एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं. द टर्म द वर्ड मैटर इंक्लूड्स फॉर एग्जाम्पल लोकल इंक्वायरी बाई ए कोर्ट. The demeanor of a witness. The demeanor of a witness. Admission by parties. Confession by accused. Statement of the accused. etc. ये जो भी आपको मिल रहा है ये सभी सेक्शन 3 में जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एविडेंस की जो डेफिनेशन दी गई है उसके अंदर ये फॉल नहीं करता है. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को और समझने की कोशिश करना. कुछ भी नहीं है, बहुत इजी टर्म है ये, प्रूव्ड नॉट प्रूव्ड डिसप्रूव्ड. अब ये इसके पीछे हम लोग क्यों पड़े हैं ये भी एक इसको जानना बहुत जरूरी. हम लोग प्रूव्ड के मतलब के पीछे क्यों पड़े हैं, नॉट प्रूव्ड के मतलब क्यों पीछे पड़े हैं, डिसप्रूव्ड के पीछे क्यों पड़े हैं. जब तक पहले ऑब्जेक्ट नहीं पता चलेगा, ऑब्जेक्टिव मकसद नहीं पता चलेगा कि हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है कि हम लोग एविडेंस क्यों डिस्कस कर रहे हैं, एविडेंस क्यों हम लोग स्टडी कर रहे हैं, क्यों उसकी क्लास में हम लोग हैं. क्योंकि दो रीजन है भैया, जिनको लिटिगेशन में जाना है उनको पता है कि बिना एविडेंस के लिटिगेशन नहीं चलता है, और जिनको जुडिशरी में जाना है उनको पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछेगा इसलिए एविडेंस पढ़ रहे हैं. और कोई पर्पस तो तीसरा दिख नहीं रहा है. कोई शौकिया तो यहाँ पढ़ने वाला फिलहाल अभी तो नहीं है इस पॉइंट पर कि हाँ चलो किसी को मन हो गया, इंटरेस्ट हो गया कि भाई कॉमर्स का स्टूडेंट है और एविडेंस पढ़ने आ गया, ऐसा तो है नहीं. तो आपकी नीड है इस वजह से आप डिस्कस कर रहे हैं. तो मेन पॉइंट ये समझिए कि प्रूव्ड शब्द का मतलब समझने की हमें जरूरत क्या है. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द नेसेसिटी, व्हाई वी आर डीलिंग विद द टर्म प्रूव्ड. भाई इसीलिए जरूरत है कि जब कोई केस आपके पास आएगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जब कोई केस आपके पास आएगा तो आप उस केस को डिसाइड करने के लिए उससे रिलेटेड एविडेंस को देख के ही डिसाइड करेंगे. तो केस को डिसाइड करने का मतलब हो गया कि उसमें अगर अक्यूज्ड है तो अक्यूज्ड को या तो आप कन्विक्ट करेंगे या तो अक्विटल देंगे. तो अक्यूज्ड का कन्विक्शन होगा या तो अक्यूज्ड का अक्विटल होगा. तो फिर कैसे पता चले कि आपने अक्यूज्ड को कन्विक्ट क्यों कर दिया, अक्यूज्ड का अक्विटल क्यों कर दिया. लेट्स टेक अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल. सबको पता है वो केस, वो चीज में वो केस मैं आपको शेयर कर रहा हूं. निर्भया रेप केस रिसेंट केस है, रिसेंट मामला है. इसमें क्या हुआ, जीजान से दोनों पार्टीज ने केस लड़ा. दोनों पार्टीज ने, विक्टिम के गार्जियन ने यानी विक्टिम ने भी केस लड़ा जी जान से, और जो अक्यूज्ड है उसने भी जी जान से केस लड़ा. कोर्ट के सामने ये साफ साफ मैटर था कि जो लोग अक्यूज्ड हैं उनकी कोर्ट में खड़े, ट्रायल कोर्ट में सामने ये मैटर था. ट्रायल कोर्ट से इस बात करते हैं तो ट्रायल कोर्ट में जिन लोगों को अक्यूज्ड बनाया गया था, अक्यूज्ड बना करके पेश किया गया था, ट्रायल कोर्ट को यह डिसाइड करना था कि ये जो अक्यूज्ड है वास्तव में इन्हीं ने रेप कमिट किया, मर्डर कमिट किया कि किसी और ने किया. आप अब अपने आप को जज समझ के सोचिए कि आप उस चेयर पर हैं, आप ही जज हैं
और नाउ यू हैव टू डिसाइड कि ये जो अक्यूज आपकी कोर्ट में है, इसने रेप किया था, इसने मर्डर किया था। और वो चलती बस में ऐसी कहानी हुई, उसके बाद इतनी बेरहमी से उठा के बस से बाहर फेंक भी दिया था। अब आप उस सीन को याद कीजिए और थोड़ा अपने आप को जज की कुर्सी पे सोच करके आप उसका डिसीजन सोचिए कि कैसे वो डिसाइड करेंगे। तो अब दोनों तरफ से क्या आएगा, एविडेंस आएगा, यानी प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस लेके आएगा और अक्यूज्ड अपना एविडेंस लेके आया। तो एविडेंस लेकर के आया और एविडेंस के बेस पे हम लोग बहुत सीधा सीधा बोल देते कि हाँ सर एविडेंस आया होगा, एविडेंस के हिसाब से यानी पी हुआ होगा, डी हुआ होगा, यह होता है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस और डिफेंस का एविडेंस आएगा और दोनों के एविडेंस को देखेंगे किसके तरफ वेटेज है एविडेंस का, फाइनल आर्गुमेंट होगा, उसके बाद डिसाइड कर देंगे कि कन्विक्शन होगा कि एक्विटल होगा। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, वहां पर आप डिसाइड कर देंगे, एविडेंस आ गया। लेकिन जहां पर एविडेंस आपके पास नहीं आ रहा, किसी पॉइंट पर एविडेंस नहीं आ रहा है, मान लीजिए क्योंकि रेप एक ऐसा मैटर है, उस पॉइंट से समझिए कि रेप एक ऐसा मैटर है जिसपे पॉइंट पर एविडेंस मिलना अगर मुश्किल है, आफ्टर 72 आवर्स आफ्टर 48 आवर्स नॉर्मली ये सीन है कि मिलना मुश्किल है, मुश्किल है नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन में उस सिचुएशन को सोचिए, तो भी आप कन्विक्शन कैसे कर देंगे, कन्विक्ट कैसे कर देंगे किसी पर्सन को, किसी अक्यूज पर्सन को, ऑन व्हाट ग्राउंड, व्हाट इज द बेसिस। तो कोर्ट आप हैं, आपके सामने ये क्वेश्चन है और आपको ये डिसाइड करना है। तो डिसाइड करने के आपके पास दो तरीके, या तो प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस लेके आए, एविडेंस का मतलब है गवाह लेके आएगा, विटनेस लेके आएगा और विटनेस आकर के खुल्लम खुल्ला बोलेगा हाँ जी ये है। तो मेडिकल विटनेस में डॉक्टर आ गया, आईओ आ गया, बाकी के लोग हैं वो सब आ गया, पीड़िता का बयान आ गया, तो वो सब उसके बेस पे आप कह सकते हो कि हाँ ये हुआ, एक ये तरीका है। दूसरा सीधा सीधा एक ये तरीका है, ये सब झमेले छोड़ दीजिए, सीधा सीधा ये तरीका है कि जिस पर्सन ने काम किया था, जिस पर्सन ने अपराध किया, वो खुद ही आ जाए और कोर्ट में कह दे जी कि हाँ जी मैंने अपराध किया था, मैंने किया है, मेरे को बदला लेने का था इससे, मैंने इसके साथ ऐसा किया है, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसके फादर ने ऐसा किया, इसके मदर ने ऐसा किया, तो मैं बदला लेने के पर्पज से मैंने ऐसा किया, वॉट इज दैट कन्फेशन बाय द अक्यूज्ड। तो कन्फेशन बाय द अक्यूज्ड, तो कन्फेशन के बेस पर आपने क्या कर देना है, या क्या कर दिया आपने, कन्विक्ट कर दिया। तो अगर किसी केस में उस केस के सर्कमस्टांसेज के हिसाब से आपके सामने कन्फेशन आता है, कन्फेशनल स्टेटमेंट आता है, और उस कन्फेशनल स्टेटमेंट के बेस पर आपने उसको कन्विक्ट करके जेल भेज दिया, पनिशमेंट दे दिया, इम्प्रिजनमेंट दे दिया, इसका मतलब क्या है, ये बात साबित हुई कि उसी ने रेप किया था, ये बात साबित हुई कि उसी ने रेप किया था, यानी आप किसी भी तरीके से ले जाइए मैटर क्या होगा, प्रूव्ड होगा। यानी दो चीजें इंक्लूड हैं, अगर एविडेंस से कोई चीज साबित होती है तो भी हम उसको बोलेंगे प्रूव्ड, अगर वो मैटर के पॉइंट से, यानी कि जो यहां लिखा गया है ना मैटर्स बिफोर इट, यानी अगर बिना जो चीज स्ट्रिक्टली डेफिनेशन में नहीं आती एविडेंस के, उसके बेस पर भी साबित हो गया तो भी हम उसको बोलेंगे साबित हुआ। यानी प्रूव्ड होने के लिए कोई भी तरीका चल सकता है, आपके पास क्या होना चाहिए, प्रूव्ड होने के लिए क्या चाहिए, दो में से कोई भी एक चाहिए, प्रूव्ड होने के लिए दो में से कोई भी एक चीज चाहिए। तो कौन सी दो में से एक चीज चाहिए, तो प्रूव्ड होने के लिए दो में से एक चीज चाहिए, पहली बात, या तो कोर्ट बिलीव करता हो, क्योंकि ईदर लगा हुआ है, ईदर, सो कोर्ट बिलीव कर लेगा इट टू एग्जिस्ट, तो कोर्ट ने विश्वास कर लिया कन्फेशनल स्टेटमेंट पर, उसने सामने से बोल दिया हाँ जी ये घटना है, ऐसे ऐसे कांड हुआ था, इसने ऐसे ऐसे किया था, इसलिए मैंने बदला लेने के लिए इसके साथ रेप कमिट किया, तो कोर्ट बिलीव इट टू एग्जिस्ट कि ये जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, और अक्यूज जो तैयार है खुद ही काम आ रहा है, कह रहा है कि जी मैंने कन्फेस करना है, तो कोर्ट बिलीव, एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि कोर्ट क्या करे, कोर्ट ईदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट और कोर्ट कंसीडर्स
कोर्ट कंसीडर करे इट्स एग्जिस्टेंस, कोर्ट या तो इसके एग्जिस्टेंस को कंसीडर करता है यानी विचार में लेता है, सोचता है, समझता है इसके एग्जिस्टेंस को। एग्जिस्टेंस किसका, इट का मतलब क्या है, उस फैक्ट का। तो कोर्ट कंसीडर्स इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल, सो प्रोबेबल यानी कि कोर्ट इस बात को कंसीडर करे कि ये तथ्य जो है ये प्रोबेबिलिटी क्या है, एग्जिस्ट करते हैं और इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं दैट ए प्रूडेंट मैन, दैट ए प्रूडेंट मैन ऑट, प्रूडेंट मैन जो भी होगा सामान्य बुद्धि का आदमी होगा वो सरकमस्टांसेज के हिसाब से। अरे भाई जब उसने खुद ही सामने से कह दिया कि सर आज से 3 महीने पहले की बात है इसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया था, उस समय तो मैं बिल्कुल चुप रहा लेकिन मेरे अंदर बहुत गुस्सा आया और मैं उस गुस्से की वजह से उससे बदला लेने के लिए बहुत बहुत था। बहुत सारे ऐसे लड़के भी सनकी टाइप के होते हैं कि सर मैं इसे बहुत प्यार करता था, इसको मैंने प्रपोज किया और इसने पूरे कॉलेज के सामने, कैंपस के सामने, टीचर्स के सामने, लेक्चरर के सामने मुझे बहुत बेइज्जत किया, अपने बॉयफ्रेंड से पिटवाया, मेरे को पुलिस में दिया तो उसने पीटा बहुत मेरे को बहुत गालियां दी, मेरे मम्मी पापा ने उस वजह से सुसाइड कर लिया, तो मैंने उस बदला लेने के लिए मैंने ऐसा किया। तो ये पूरी घटना एक सीरीज बता रहा है। अब कोर्ट क्या करेगी, या तो इसको इस घटना के ऊपर जो कहानी बता रहे इसके ऊपर एग्जिस्ट करेगी। तो घटना क्या बता रहा है, वो कन्फेशनल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। अब उसी पूरी पूरी स्टेटमेंट में एक बार बोलेगा ना कि हाँ मैंने किया है तो क्यों किया, तो बता रहा है। तो कोर्ट या तो उस घटना पर बिलीव कर ले, या तो कोर्ट उस घटना को कंसीडर करे कि भैया एक ऐसा है कि उस यानी कि इस सरकमस्टांसेस के हिसाब से जो कुछ भी वो कह रहा है सही कह रहा है। सो अंडर दी सरकमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस ऑफ द पर्टिकुलर केस to act upon the supposition that it exists। मतलब क्लियर कट कह देता है, मैंने दो दो बार लिख दिया, एक बार छोड़िए मैंने दो दो बार आप लोगों के लिख दिया। ये क्लियर कट कह रहा है कि यार कोर्ट छोड़ो, कोर्ट तो विश्वास कर ही रहा है, कोर्ट छोड़ो एक सामान्य बुद्धि का आदमी होगा, एक प्रूडेंट मैन होगा वो भी विश्वास कर लेगा, केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेज को कंसीडर करते हुए एक सामान्य प्रूडेंट मैन भी इस बात को अगर बिलीव कर ले कि यह तथ्य एग्जिस्ट करता है, पर्टिकुलर फैक्ट एग्जिस्ट करता है, तो हम ये कह देंगे कि ये बात साबित हो गई, ये बात क्या हो गई, साबित हो गई।